हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल। तो या थंबनेल देख के और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे, यस, हमने नया आईफोन लिया है। अभी नया आईफोन क्यों? सो गाइस, ये फ़ोन मैं बहुत पहले लेने वाला था, मतलब नॉट एग्जैक्टली आईफोन, मुझे एक नया फ़ोन लेना था। बट क्या हो गया, मैंने यूट्यूबिंग चालू किया और काफ़ी सारे फंड्स मुझे यूट्यूब के लिए डाइवर्ट करने पड़े, जैसे एक्सेसरीज है, कैमरा है, एसडी कार्ड है, बैटरीज है और बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब आप जानते हो, यूट्यूबिंग के लिए बहुत सारा एक्सेसरीज लगता है, बहुत सारा सॉफ्टवेयर्स लगता है। तो ये सब मैं पूरे फंड्स मैंने डाइवर्ट कर दिए। इसके लिए मैंने सोचा कि मैं फ़ोन थोड़ा लेट बाद में खरीदूँगा। और एक चीज़ मैंने सोची कि जब तक यूट्यूब से मोनेटाइजेशन नहीं शुरू होता, मैं नया फ़ोन नहीं लेने वाला। बट अभी ऐसा है कि फ़ोन हमारा काफ़ी पुराना हो गया और काफ़ी दिक्कतें दे रहा है, तो दिस इज़ बेसिकली बायपैक है, मतलब एक्सचेंज है। मैं पुराना फ़ोन दे के नया फ़ोन लेने वाला हूँ। और आईफोन लेने की वजह यही है कि मैं वन प्लस फ़ैन हूँ, मतलब आई एम अ हार्ड कोर वन प्लस फ़ैन राइट फ्रॉम द फर्स्ट फ़ोन। मतलब फ़ोन लॉन्च होने के पहले मैंने ये बुक किया था, कंसिडरिंग दी जो जो उन लोग हार्डवेयर दे रहे हैं वो सोच के मैंने वन प्लस बहुत पहले बुक किया था लॉन्च होने के पहले। लेकिन अभी जो मैं रिव्यूज़ देख रहा हूँ वन प्लस के, काफ़ी ख़राब रिव्यूज़ आ रहे हैं। मतलब 7 के बाद हार्डली कोई वन प्लस है जिसका रिव्यू अच्छा है। फ्लैगशिप बोल के जो फ़ोन्स आ रहे हैं वन प्लस के, सो आई एम नॉट हैप्पी विद द रिव्यूज़। तो इसके लिए हमने सोचा चलो वन आईफोन पे स्विच करते हैं। आईफोन के दो फायदे होंगे, एक तो हम इसे ब्लॉगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड इट्स क्वाइट अ स्टेबल थिंग। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आईफोन का मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, लेकिन ये इतने जल्दी नहीं बताऊँगा। तो अभी हम राह देख रहे हैं फ्लिपकार्ट के बंदे की जो ये फ़ोन लेके आने वाला है, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे हमें अच्छा डिस्काउंट मिला अमेज़न से, अच्छा थोड़ा बैंक डिस्काउंट था और थोड़ा हमारा पुराने फ़ोन का भी। तो गाइस, हमारा जो पुराना फ़ोन था वो था वन प्लस 5T और ये काफ़ी अच्छे कंडीशन में है, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि ये इतना पुराना फ़ोन है। तो ये ऐसे दिख रहा है हमारा पुराना फ़ोन, थोड़े से हल्के से स्क्रैचेस है। मतलब अगर आप फाइन आप ईयर्स अगर कोई फ़ोन यूज़ करते हो तो इतने स्क्रैचेस तो आना लाजिम है, मतलब भाई बच्चे की जान लोगे क्या? तो ये हमारा ऐसे फोन दिख रहा है। तो अभी हम इसको रिटर्न करके इसके बदले हमें मिलने वाला है आईफोन। सो गाइस, जिसकी हम राह देख रहे थे, फ्लिपकार्ट वाले आ चुके हैं, तो अभी हम डिलीवरी ले रहे हैं। सो गाइस, हमारा फ़ोन आ चुका है। हमने अभी आपके सामने अनबॉक्सिंग किया, तो बॉक्स में कुछ नहीं है, ये कुछ लिटरेचर है और एक ये सी टाइप केबल है। और हमेशा की तरह आपको मालूम है एप्पल चार्जर नहीं देता है। एप्पल की यही कोशिश रहती है कि जो बंदे इनका फ़ोन इस्तेमाल करते हैं उन लोग एक चार्जर भी खरीदे अलग से। मुझे समझ में नहीं आता ये ऐसे क्यों करते हैं, भैया इतना ही आपको है, 1000 रुपये ऐड कर दो, 1500 रुपये ऐड कर दो और चार्जर दे दो साथ में। मतलब बंदे को ये दिक्कत होता है कि भाई अभी इसके लिए चार्जर खरीदना है अलग से। तो चलो कोई नहीं, दोस्ती की है एप्पल से तो निभानी तो पड़ेगी।
सो दोस्तों, वीडियो का ये वाला हिस्सा मैं अपने नए फ़ोन से ले रहा हूँ। होप सो इसका क्वालिटी अच्छा रहेगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए इसका क्वालिटी कैसा है। और जैसे मैंने कहा था कि मैंने ये फ़ोन स्विच करने की वजह यही थी कि पुराना वाला फ़ोन काफ़ी पुराना हो चुका था और वीडियो से निकालना और प्रोसेस करना काफ़ी दिक्कत हो रहा था। मतलब वीडियो में अगर निकालता था तो सेव होने के लिए काफ़ी दिक्कत दे रहा था। तो 5.5 साल हो चुके थे एंड आई थिंक 4.5 ईयर्स इज़ अ गुड इनफ टाइम फॉर अ स्विच टू अ न्यू फ़ोन। और एंड्रॉयड से और वन प्लस से तो मैं काफ़ी खुश था, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि वन प्लस के जो मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं उनके रिव्यूज़ काफ़ी ख़राब हैं। तो आई थॉट दैट चलो एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि चेंज इज़ ऑलवेज फॉर गुड, चेंज इज़ ऑलवेज बेटर। तो होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए गुड बाय।